कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे, क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई? ये पीड़ित परिवार, उनका भाई खड़ा है ब्रजेश निषाद, पूरा परिवार दुखी है। और लखनऊ राजधानी में जब इस तरीके के अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, लखनऊ में बलात्कार हो रहा है सामूहिक, तो पूरे प्रदेश का हाल बुरा हाल है, जंगल राज कायम है और सरकार पूरी तरीके से इस घटना को छुपाने का, दबाने का काम कर रही है। घटना को लेकर के कांग्रेस कहां तक साथ जाएगी? कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, चाहे जो अयोध्या में घटना घटी हो, भाजपा के नेता के बेटे ने किया, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे प्रदेश का कोई कोना हो, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता डटकर खड़ा है और इस जंगल राज को समाप्त करेंगे और न्याय दिलाएंगे इन बच्चों को। जो आज बच्चे पूरी तरीके से आज दुखी हैं कि आज बच्चों के साथ, इनकी बहन के साथ जो जिस तरीके का लिया गया है, मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से वो अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद क्या न्याय के लिए क्या मांग? पीड़ित परिवार पूरी तरीके से दुखी है, ये चाहता है कि न्याय हो और जो अत्याचार अन्याय हो हुआ है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साफ तौर पर कहना है कि पीड़ित परिवार के साथ वो खड़े हुए हैं और उनके न्याय के लिए पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।